आज मैं सुपी प्रखंड के रमनगरा बवनगामा पंचायत में हूँ। यहाँ पर गाड़ी चोरी और घर के अंदर घुस करके चोर अफरा तफरी मचा रहे हैं और खुलेआम चोरी करके गायब हो रहे हैं, लेकिन इस पर प्रशासन की कार्रवाई किस प्रकार से हो रही है, क्या कोई भी चोर एक साल के अंदर में गिरफ्तार हुई है या नहीं हुई है, इनकी पुष्टि मैं यहाँ के ग्रामीण से करना चाहता हूँ। जो सत्यापन है, आपकी गाड़ी चोरी हुई है जी, कितने तारीख हुई है? 30/10 को रात्रि। 30/10 को लगभग कितने बजे की बात है? 1 से 2 बजे के बीच में घटना है, रात में जी। आपको कैसे जानकारी मिला कि 1-2 ही बज रहा था? हम 11 बजे सोने गए थे गाड़ी लगा करके वहाँ पर, तो सब चीज़ ठीक था, उसके बाद में सो गए। उसके बाद में पिताजी मेरे उठे 3 बजे के आसपास में, अच्छा, लैट्रिन जाने के लिए, तो देखते हैं वो गाड़ी नहीं है, तो हमसे आकर के पूछे, तो हम देखे यहाँ पर 2 चिन्ह बना हुआ था, अच्छा, घास पर 2 चिन्ह बना हुआ था, जो इधर गाड़ी निकाले हुआ था, अच्छा, इसे आकर के और ईंटा से मार करके वहाँ पर लॉक तोड़े हुआ। अच्छा, जब ईंटा चल रहा था तो सो रहे थे आप लोग अंदर? में पता नहीं चला? नहीं, पता नहीं चला, मकान के अंदर में थे। पिताजी यहाँ गाड़ी चोरी हुआ वो आपको कितने बजे जानकारी मिली? वो हम जगे 3 बजे। 3 बजे देखे तो गाड़ी नहीं है। गाड़ी नहीं है तो हम जा करके सितांशु कुमार को कहे कि गाड़ी नहीं है तुम्हारा, निकला इसी। मतलब गाड़ी की ये सूचना जो मिल रहा है मीडिया के सामने, खुलासा हो गई गाड़ी चोरी हो गई है, इसमें कहाँ तक जानते हैं आप? मेरा भी गाड़ी चोरी हुआ है। आपकी भी चोरी हो गई? आपकी कब हुई थी? जी उसी रात को हुई थी। मतलब एक ही रात में 2 गाड़ी चोरी हुई थी? 30/10 को चोरी हुई थी, 31 को सुबह जो है कि हम जगह पर देखे मेरा गाड़ी नहीं था। अच्छा, इसके बारे में आप दोनों मिल करके, आप इधर आएंगे, इधर आप दोनों मिल करके थाना को आवेदन दिया कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है? जी दिए। क्या प्रभारी साहब क्या बोले कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई? नहीं नहीं, वो मतलब क्या बोले कि हम जांच करेंगे या जांच चालू कर रखे हैं कुछ? वो बोले, प्रभारी साहब बोले कि अच्छा ठीक है, ऐसा ही लोग गाड़ी चोरा लेता है और उसके बाद में आता है हमको आवेदन देने। गाड़ी चोरा लेता है फिर आवेदन देने? हम कहे कि आप निष्पक्ष जांच कराइए, अगर हम चोराए होंगे तो हम दोषी होंगे, नहीं तो जो चोर चोराए हुआ है वो अपना देगा। तो जांच में आए थे क्या? एक बार आए हुए थे, उसके बाद में कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। प्रशासनिक मामला है, जांच चोरी चकारी का होता है, थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है? भरोसा ना हो तो आगे आवेदन दे दीजिए आप, ठीक है? हमारे साथ जुड़े हुए प्रगतिशील किसान फाउंडेशन के चेयरमैन यहाँ पर मौजूद है जी। कहाँ तक जानकारी है इस घटना के बारे में, रियल में? सबसे पहले तो दैनिक लाइव के जो है आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमारे सुपी प्रखंड में पत्रकार जो है ऐसा आया है कि हमारे गम्हरिया गाँव का आवाज़ उठाने के लिए। और मैं आज आपको बता देना चाह रहा हूँ कि चोरी तो आम चीज़ हो चुकी हुई है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल होता है। मैंने जिला एसपी साहब मनोज कुमार तिवारी को भी मैंने फ़ोन करके उनको सूचना दिया कि सर हमारे गांव में चोरी तो हो रहा है, लेकिन एक ही गांव में बार बार चोरी हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले चोरी हुआ है, बेचारे का जेवर जबरात बहुत लाखों का चोरी हुआ, फिर अगले 10 दिन बाद फिर यहाँ चोरी हो रहा है। तो हमारा गाँव सुरक्षित नहीं है, और यहाँ देखा जा रहा है कि लोगों को प्रखंड में हमारे हमको लोग बताते हैं कि अब जो है लोग प्रशासन से, आम जनता खौफ में है, डर के मारे जाती नहीं प्रशासन के पास, और अपराधी जो है एकदम बेखौफ हो चुका हुआ है। तो मैं यहाँ के आपके चैनल के माध्यम से डीजीपी महोदय, माननीय मुख्यमंत्री को बताना चाहूंगा कि अगर हमारे किसी प्रखंड के अंदर में कोई भ्रष्ट अगर अधिकारी है, कोई भ्रष्ट पुलिस प्रशासन है, उसको यहाँ से तुरंत हटाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे मर्डर हुआ उसका भी कोई अपराधी का पता नहीं चला, बांध पे हुआ है 8-9 महीना पहले गरीब का बच्चा का, चोरी यहाँ खुलेआम हो रहा है, तांडव हो रहा है, दारू शराब खुलेआम बिक रहा है, और लेकिन जो है हमारी प्रशासन मुख्य दर्शक बनी हुई है और बता रहे हैं कोई भी उनका जो एक फ्रेंडली पुलिस का जो हमारे पिछले बार हरिकिशोर राय जी ने जो निकाला था वो फ्रेंडली पुलिस अब साफ नहीं दिख रहा है। आम जनता में खौफ हो गया कि डरती है लोग थाना में जाने से कि थाना में जाएंगे तो हमारा आवेदन लेगा कि नहीं लेगा। और ये चोरी जो आपने जो आवेदन दिया है प्रशासन स्वीकृत किया या नहीं किया? नहीं, प्रशासन तो स्वीकृत किया है, लेकिन उसमें भी इनको कठिनाई आई हमको, जैसे इन्होंने कैसे पता चला कठिनाई आई उनको? इन्होंने खुद बोला, और इससे पहले भी जो आवेदन हुआ चोरी हुआ तो पहला दिन जब चोरी हुआ तो उसमें जब आवेदन देने गया तो आवेदन थाना प्रशासन नहीं लिया, फिर लगले उस दूसरे दिन आवेदन देते समय क्या बोले थे? आवेदन बोले कि उनको ऐसे ही बोल करके उनको हटा दिया लेकर के, तो डर के मारे मैं बता नहीं रहा हूँ। लास्ट टाइम जो आप कब गए थे थाना पे? थाना पे हम नहीं गए थे, हमारी जनता गई हुई थी और हमारे कार्यालय पे आकर के उन्होंने सूचना दिया कि देखिए हम गए थे और नहीं लिया संज्ञान, और दूसरे दिन फिर देखिए कि चोरी हो गया दूसरे पड़ोसी के घर में हो गया, और पहला दिन ही अगर पुलिस प्रशासन संज्ञान ले लिया रहता। देखिए, घर की सुरक्षा करना घर वाले का खुद का काम जिम्मेदारी होती है, प्रशासन के जो काम है आप आवेदन लेके जाते हैं, अगर स्वीकृत नहीं करता है तो जिम्मेवार प्रशासन थाना प्रभारी होते हैं। अगर यहाँ का मामला आपका गंभीर बनता जा रहा है तो आप आगे आवेदन दे सकते हैं, एसपी साहब को दीजिए, एसपी साहब नहीं कंट्रोल कर पाते हैं तो आप डीजीपी को दीजिए। आप
बिल्कुल, देखिए हमारी गांव के अंदर में आवाज क्रोस्ट होते जा रहा है। अगर उनके जनता की अगर आवाज हमारे पास आएगी कि नहीं हमारा प्रशासन नहीं सुनता है, तो हम उसका भी आवाज पुरजोर तरीके से उठाएंगे। और हमें समय दिया जाए, मैं अगर पुष्टि भी करना है तो हमें समय दीजिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ, मैं पूरे प्रखंड से आपको हजारों आदमी खड़ा कर दूंगा कि जो इस पर आपके इससे पहले भी था सुप्पी थाना में प्रशासन था, दरोगा था, मंजर आलम थे, कि उनके डर से लोग अपराधी जो सपने में भी नहीं सोचता था कि अपराध करना है, दारू माफिया हो गया, जो कोई अपराध हो गया सारा बंद हो चुका। आप इस प्रशासन के बारे में कहां तक जानते हैं, क्या मतलब है, क्या पुष्टि करेंगे? पुष्टि यही करेंगे कि हम आंख के सामने देखे थे, इतना निर्मम हत्या किया था, टुकड़ा टुकड़ा करके काटा गया था, लेकिन अभी तक कोई आम पब्लिक जो है, क्या आपको उसका अपराधी का पता आप लोग का है? नहीं, कोई पता आता नहीं है कि कौन मर्डर किया। तो भैया हम लोग तो अब सुरक्षित हो गए हुए हैं, और प्रशासन कहती है कि इसे हम पेट्रोलिंग करते हैं, हर चीज करते हैं। परसों हम देखे कि एक बार गाड़ी यहाँ आई थी पेट्रोल, और आप कह रहे हैं कि चौकीदार नहीं है, ये नहीं, आपके सुप्पी थाना के अंदर में टू स्टार कितने हैं देख लीजिए, एक स्टार कितने, हर बीट में अलग अलग जिम्मेदारी दिया गया हुआ है, चौकीदार है हर बीट का, अलग अलग चौकीदार है। तो हमारी यही अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से, मैं सुप्पी थाना प्रशासन से भी मैं अनुरोध करूंगा कि थोड़ा आप इस पे संज्ञान लीजिए, कि आम जनता में आप खौफ पैदा मत करिए, और आम जनता के साथ मित्रवत आप व्यवहार करिए, ताकि आम जनता से और आपकी जो गैपिंग जो बन चुकी हुई है, और अपराधियों से आपकी जो है साठगांठ हमको दिख रहा करता है। कहीं से आप पुष्टि कराएंगे तो उन पर कार्रवाई होगी जी? कहीं से आप पुष्टि कराएंगे कि थाना प्रभारी मेल में है या किसी अपराधी के मेल में है, तो पुष्टि होगा तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होगी, और 24 घंटे के अंदर होगी? अभी तो छोटा सा, अभी तो हाल ही फिलहाल में साल भर हुआ मर्डर हुआ, अभी तो कहा नहीं उसका हुआ मर्डर, तो कोई पुष्टि करने वाली चीज़ें खुलेआम दिखा था, लोग देखे थे कि टुकड़ा टुकड़ा काटा था, उसका अपराधी कहाँ है, मैं उसी, और यही सुप्पी थाना के प्रशासन के रहते हुए रीजन में हुआ है, और इससे पहले भी प्रशासन था कहाँ के। अगर ये थाना प्रभारी अब जनता के प्रति अगर मित्रवत संबंध नहीं बनाएंगे, अपराधियों के प्रति एक्टिव नहीं रहेंगे, अब जो है लोग प्रशासन से, आम जनता खौफ में है, डर के मारे जाती नहीं प्रशासन के पास।